हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम व्रत के लिए सब्जी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार होती है। इस तरीके से आप सब्जी जरूर बनाएं। चलिए हम दिखाते हैं आपको सब्जी कैसे बनाएंगे। देखिए, ये सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी और तीखा चटपटा बन के तैयार हुआ है। आप इसे पूड़ी पराठा चावल, मतलब व्रत वाला जो पूड़ी पराठा होता है, उसके साथ आप इसे ले सकते हैं। ये व्रत वाली जो सब्जी है बहुत ही टेस्टी है, बहुत फायदा भी करता है इसकी सब्जी, या दाल पूड़ी पराठा, मतलब इसका भी बना सकते हैं आप। देखिए, हमने इसे बना के तैयार किया है, बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ है। इस तरीके से आप जरूर बनाएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सब्जी बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमने ये बकला ले रखा है, आप देख सकते हैं ये व्रत में खाया जाता है, बहुत फायदा करता है। वैसे भी आप इसके पकौड़ी, दाल वगैरह जो भी बना सकते हैं, बना के इसे खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और देखिए, जो बकला है, मतलब उसकी फली है, देखिए उसकी, मतलब ये छिमी, जो भी फली जो भी बोलते हैं आप, मतलब इसे कह सकते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, देखिए ऐसे हमें तोड़ लेना, इसकी नसें जो होती हैं साइड की, ये हमें निकाल देना रहता है। महाशिवरात्रि स्पेशल हम व्रत के लिए इसे बना रहे हैं सब्जी इसकी। देखिए, ऐसे हम इसे साफ कर लेंगे। देखिए, हमने जो लिया है बहुत, मतलब ये अच्छा है, मतलब टाइट नहीं हुआ है इसका पार्ट, लेकिन ये बहुत अच्छे से है। ये देखिए, ऐसे हमें साफ कर लेना है। जो छोटा है हम छोटे रहने देंगे, जो बड़ा है उसे हम तोड़ लेंगे। इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाती है हमें, बहुत ही, मतलब ये फायदेमंद है। ठीक है, इसे यूज में सीजन है तो यूज में जरूर लें। इस तरीके से देखिए, आप किसी भी समय इसकी सब्जी और मतलब बना के आप खा सकते हैं, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। देखिए, अब इसे हमें इसकी नसें निकाल देनी है। ऐसे करके हम इसकी नसें निकाल देते हैं। सीजन में जो भी सब्जियां मिलती हैं, सब्जियों को जरूर यूज में लें। ये नहीं कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, अरे मतलब खाने की कोशिश करिए कि ये चीज नहीं सही लग रहा है, लेकिन खा के एक बार बना के खा के देखिए, मतलब कैसा लग रहा है। पहले ही ये नहीं कि बच्चे बोलते हैं नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, जबरदस्ती हम लोग खिलाते हैं बच्चों को कि बच्चे खाएंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा क्या चीज है। इसलिए सब्जी जरूर बनाए इसकी। देखिए, ऐसे ही हम इसको साफ करके तोड़ के ले लेंगे। ये बहुत फायदा करता है। आप इसके, मतलब ऐसे हरे वाले को भी लेके खाया, इसका मतलब जो सूख जाता है, बीज जो मिलता है, उसका भी आप दाल बना के यूज में ले। देखिए, इस तरीके से हम सारा साफ कर लेते हैं। इसे हम साफ करके और उबाल लेंगे। ठीक है, इसे सब्जी बनाते समय इसको उबाल के ही सब्जी बनाई जाती है, बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। वैसे मतलब डायरेक्ट हम लोग ऐसे तोड़ के सब्जी ना बनाए, उबाल लेना है। हम देखिए, हमने तोड़ के ऐसे ही उबाल लेंगे और उबाल के सब्जी बनाएंगे। देखिए, अब बकले को हम कुकर में डाल देते हैं। हम कुकर में डाल के इसे उबाल लेंगे। कुकर में डाल के उबाल लेने से बहुत जल्दी से ही उबल भी जाता है, कम समय लगता है। देखिए, ये उबल चुका है, तीन सीटी दे दिए। हम चूल्हे को बंद कर देते हैं, प्रेशर निकाल के इसको निकाल लेते हैं। देखिए, हमने प्रेशर को निकाल दिया इसको, आप देख सकते हैं ये उबल गया है। अब इसको हम पानी से छान के निकाल लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से ये उबल के तैयार हो चुका है। देखिए, हमने कुकर को गर्म कर दिया है, चूल्हे को हमने बंद कर दिया क्योंकि बहुत आवाज करता। देखिए, हमने ये घी ले रखा है, हम घी को डाल देते हैं। हम व्रत के लिए सब्जी बना रहे हैं इसलिए हम घी यूज कर रहे हैं। अगर व्रत के लिए नहीं बनाना हो तो आप तेल यूज कर लीजिएगा। अब इसमें हम जीरा डाल देते हैं। देखिए, हम जीरा डाल देते हैं। देखिए, हमने जीरा ले रखा है, हमने जीरे को डाल दिया, कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद से हम हरी मिर्च और टमाटर डालेंगे। देखिए, जीरे का कलर चेंज हो गया, हमने एक हरी मिर्च ले रखी है, हमने हरी मिर्च को डाल दिया और हमने एक टमाटर काट के ले लिया है, हमने टमाटर को डाल दिया। देखिए, इस समय हम इसमें मसाले डाल देते हैं। देखिए, हमने ये सेना नमक ले रखा है, ये जीरा और धनिया पाउडर, हल्दी नहीं यूज किया जाता है व्रत में। देखिए, अब टमाटर के साथ हम मसाले को भी भून लेंगे अच्छे से। आप खड़े मसाले में, मतलब लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सब व्रत में भी यूज होता है, आप कुछ मसाले खड़े डाल सकते हैं। देखिए, अब इसे हमें अच्छे से पका लेना है। देखिए, हमने मसाले को, टमाटर देखिए गल गया है, मसाले भून चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से टमाटर गल चुके हैं। ये
इसकी ग्रेवी तैयार होगी। टमाटर आप जितना पसंद करते हो और दो चार डाल सकते हैं, लेकिन हमने जरूरत के अनुसार हमने एक ही डाला। देखिए इस तरीके से हम इसे भून लेंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार होती है व्रत वाली। आप पूड़ी बना के खाए, पराठा बना के खाए या चावल बना के आप खा सकते हैं व्रत का। इसके साथ बहुत टेस्टी लगती है, हमने बहुत बार बनाया है इसको। देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं, ये जो बकला है इसको हम डाल देते हैं। अब इसे भी हम अच्छे से इसके साथ भून लेंगे और इसमें हम डालेंगे पानी। देखिए पानी डाल देते हैं। देखिए हमने ये पानी ले लिया है क्योंकि हमने बकले को पहले से ही उबाल लिया है। थोड़ा बीज को हम चेक कर लेते हैं ये हो गया है कि नहीं, क्योंकि बकला जो देखिए ये हो भी चुका है। बहुत कम समय लगेगा, सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। कुकर में बनाएंगे ज्यादा फायदा रहेगा, उबाल लेंगे कुकर में तो और जल्दी सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है इसकी, नहीं तो ये टाइम लगता है, जल्दी गलता नहीं है, बहुत टाइम लगाता है। देखिए अब हम कुकर को बंद कर देते हैं। कुकर को हम बंद करके चार सीटी तक आने तक इसे अच्छे से पका लेंगे। देखिए ये तैयार हो गया है। चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। 5 मिनट हमने इसे रखा क्योंकि हमने पहले से उबाल के रखा था। अब देखिए अब प्रेशर निकल जाएगा, उसके बाद से हम निकाले, हम अभी भी निकाल सकते हैं लेकिन अभी टाइम है इसलिए हम इसे रेस्ट पे छोड़ देते हैं ऐसे ही। देखिए प्रेशर निकल गया है, सब्जी को हम देख लेते हैं। बहुत अच्छे से सब्जी जो है तैयार हो गई है। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं। देखिए इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। देखिए हमने ये हरा धनिया ले रखा था, हमने हरा धनिया डाल दिया। सब्जी जो है व्रत वाली रेडी हो गई है बनके, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये पक चुका है। अब हम प्लेट में ले लेते हैं इसे। देखिए हमने इसे प्लेट में निकाल लेना है। देखिए हमने सब्जी को प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं सब्जी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।